ठोकर न्यास बेग पर बढ़ते हुए ट्रैफिक के रश से छुटकारा पाने के लिए पंजाब हुकूमत ने 96 करोड़ 48 लाख रुपए की कसीर रकम से ठोकर न्यास बेग ब्रिज मुकम्मल किया। इस पुल की तामीर से जहां ट्रैफिक के बहाव में आसानी मुयसर आई और हादसात में कमी हुई, वहीं ये शहरियों का वक्त बचाने का बायस भी बना। पहले बहुत गंदी सूरत हाल सी जी, ट्रैफिक हर वक्त फंसी रहती सी, आवाम बड़ी परेशान होती सी, घंटा घंटा ट्रैफिक जाम रहती सी। ब्रिज बन गया, ट्रैफिक जी ने जो रवा दवा हो गई, जिन्हें नहर से जाना या सीधे जाना वो उपरों ही गुजर जाते हैं। थलो चौक खुला हो गया, बड़ा अच्छा है, तो गवर्नमेंट ने काम किया। पहले सूरत हाल ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा सी, लेकिन ब्रिज बनने जाना ट्रैफिक का लोड बहुत ही कम हो गया, एक बहुत अच्छा मनसूबा है सर। ये तो था तस्वीर का एक रुख, अब एक नज़र ठोकर न्यास बेग से लाहौर शहर को आने वाली केनाल रोड पर डालते हैं। इस सड़क पर रोजाना हजारों गाड़ियां दौड़ती हैं, लेकिन इंतजामिया इसकी हालत ज़ार बेहतर बनाने पर तवज्जा नहीं दे रही। 10 साल पहले मुरम्मत होने वाली शाहरा को लावारिस छोड़ दिया गया है। सड़क पर मौजूद जा बजा गढ़ों के बायस हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। अगर इतने पैसे ला के तो सुनवी अगर सही कर दें तो बेहतर है, अगर नहीं सी करना तो फिर इतने चलो इतने रश खत्म हो गया, लेकिन अगो सड़क इन्नी खराब है नहर के उत्ते ठोकर तो लैके कैंपस पुल तक कि उत्थे रोज़ आए दिन हादसात होंगे और गड्डिया नुकसान हो रहा, बजाय इसके कि उन्होंने भी अगर ठीक कर दें तो सब तो बेहतर होगा। ये जनाब बहुत जरूरी है, ये सड़क बननी चाहिए है, इतने बड़ा बुरा असर है जी, एक गड्डी भी रस्ते ही खराब हो जाए तो पूरी ट्रैफिक रुक जाती है, हादसात भी होते हैं। पंजाब हुकूमत ने एक माह कबल इस सड़क को 2 लेन से 4 लेन में तब्दील करने के लिए टीपा को तमाम इख्तियारात मुंतकिल कर दिए हैं, लेकिन शहरियों का कहना है कि उन्हें चौड़ी सड़क की अहमियत से इनकार नहीं, बल्कि पहले उन्हें आरामदेह और पुरसकून शाहरा फराहम की जाए। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ इमरान यूनस, सिटी 42, केनाल रोड।